फिल्म जो है कि फिल्म काफ़ी एक्चुअली सीरियस टॉपिक पे है। फिल्म का टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश में और अपने जो पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में एक मॉरल पुलिसिंग का माहौल बना है पिछले 15-20 साल से, जहाँ पे यंग कपल्स अगर सड़कों पे पकड़े जाएँ, स्पेशली वैलेंटाइंस डे पे या इन जनरल भी पार्कों में, सिनेमा हॉल में, और उनको पकड़ के लोग मारते थे, पीटते थे, पुलिस के पास ले जाते थे। और अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी आए, योगी जी की काफ़ी पॉपुलैरिटी और काफ़ी उन्होंने काम किया एंटी रोमियो स्क्वाड के ऊपर। हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, जिसका पर्पज़ ये था कि जो मनचले लड़के होते हैं वो लड़कियों को ना छेड़े, पर उसका मिसयूज़ ज़्यादा हुआ, जिसमें कि लोग अपनी मनमर्ज़ी से, क्योंकि कोई उसके लिए लॉ अबाइडिंग वो नहीं था, एक लोगों ने अपना गैंग बना लिया और गया अरे लड़का लड़की बैठा है उसको उठाओ मारो। तो वो और एक्चुअली आप देखो तो ये भी एक छोटा सा हिस्सा है उस विचारधारा का, उस दिमाग का, कि जिसमें आप ये कहते हो कि एक ऐसा देश जो कामसूत्र का देश है, ऐसा देश जो खजुराहो का देश है, ऐसा देश जहाँ पे सैकड़ों साल से, जैसे आप हिंदू सभ्यता की बात करते हो, बहुत ही ओपन और बहुत क्या कहते हैं ना, सब कुछ अपने में समाने वाली सभ्यता, उसको आप बिल्कुल एक संकीर्ण विचारधारा जिसे कहते हैं, एकदम एक नैरो माइंडेडनेस में आप उसको ले जा रहे हो, और आप ऑलमोस्ट जिस तरह की विचारधारा का विरोध करते हो कि मुस्लिम लोगों के यहाँ बुरका होता है, उनके यहाँ ऐसा होता है, आप अपने धर्म को भी उसी दिशा में ले जा रहे हो। और मॉरल पुलिसिंग के नाम पे एक जिस देश में 55 करोड़ लोग की उम्र 30 साल से कम है, उस यूथ से उसका बेसिक राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव छीन रहे हो। तो फिल्म उसके बारे में बात करती है एक लाइटर विंग में। पिक्चर में एकदम भी कुछ भी सेंशुअल नहीं है, अगर आप ऐसा सोच के जाएंगे तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। पिक्चर में मनोरंजन बहुत है, पिक्चर में कॉमेडी बहुत है, पिक्चर में ड्रामा बहुत है। राजेश जी का सेकेंड हाफ में जो कोर्टरूम ड्रामा है बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट हाफ में आपको कुणाल जीशान की कॉमेडी बहुत मज़ेदार है, जाकिर हुसैन की कॉमेडी बहुत अच्छी है। तो बहुत आप उसके एडल्ट सर्टिफिकेशन पर मत जाइए, एडल्ट सर्टिफिकेशन इसलिए कि जो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऐसा है, बट पिक्चर में एक्सप्लिसिट या वल्गैरिटी या कुछ क्या कहते हैं कि आप अगर अपने माँ, अगर कोई अपना बाप अपने बेटे के साथ जाएगा पिक्चर, तो उसको कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं फील होगा, बहुत मज़ेदार और अच्छी फिल्म। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे कंट्री में उस तरह का ओपन कल्चर नहीं है जिस तरह का वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, कि आप कोई भी यू नो कोई भी एक कपल है तो कोई भी एक पब्लिक प्लेस में आप किसी भी तरह की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यही एक अपने आप में एक डिस्कशन का वो एक है, क्या कहते हैं, टॉपिक है कि आप जिस देश की बात करते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर है या नहीं है, हम आज जो कपड़े पहन रहे हैं या हम जिन क्या कहते हैं कि जिन विचारधाराओं को आज हम फॉलो कर रहे हैं, कि हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या ये वही विचारधारा है जो जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना। हम शायद दुनिया में अकेला धर्म है कि हमारे पास एक भगवान है जो प्रेम के लिए और गोपियों के साथ रास करने के लिए फेमस है। हम अकेले ऐसे धर्म हैं जहाँ पे हमारे भगवानों ने, चाहे द्रौपदी का चीर हरण बचाया हो उसी भगवान ने, जिस भगवान की इतनी सारी गोपियाँ थीं, ऐसे भगवान हैं जो इसलिए याद किए जाते हैं कि जो सच्चे प्रेम का प्रतीक है, उनके साथ उनकी पत्नी रुक्मणी का नाम नहीं राधा का नाम आता है। तो हमारा कल्चर ये था, ये तो पिछले 800 साल में एक कल्चर चेंज हुआ है, जब मुग़ल आए 1200 में तो उनके यहाँ भाई ये हुआ कि बुर्का पहनो और दो शादी और ये सब। फिर अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों के आने के पहले अगर आप अपना इतिहास जाके देखेंगे तो बहुत कम आपको लोग ऐसे मिलेंगे और रिश्ते या कहानियाँ ऐसे मिलेंगी जहाँ पर एक पति और एक पत्नी हो। ये तो अंग्रेज़ लाए कि एक शादी होगी और फिर आप डिवोर्स लेंगे और फिर ऐसा, बहुत हमारा तो खुला कल्चर रहा है। हमारे आप अभी यहीं अजंता एलोरा चले जाइए, पास में खजुराहो चले, आप वर्ल्ड में बताइए मेरे को कौन से धर्म में ऐसा मंदिर है जो सेक्स को सेलिब्रेट करता है। और अगर आप सेक्स नहीं करते तो दुनिया में 600 करोड़ लोग आए कहाँ से। हमारी फिल्म में डायलॉग भी है राजेश जी का कि इस वर्ल्ड से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, वो कंसेंशुअल होना चाहिए, उसमें दोनों लोग की मर्ज़ी होनी चाहिए, बट अगर दो मर्ज़ी में जो लोग हैं, दो युवा हैं, उनके पास आज बॉम्बे जैसे कंजेस्टेड शहर में वो वर्ली सी फेस में बैठे हैं या बैंड स्टैंड पर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। हाँ, वो लाइन नहीं क्रॉस होनी चाहिए कि बाकी लोग कौन कंफर्टेबल है, लेकिन आप उनको ही अनकंफर्टेबल कर दोगे तो फिर आप देखिए मतलब पूरा इतिहास गवाया है दुनिया का। आप पूरा मिडिल ईस्ट में चले जाइए, ईरान, इराक, और आप इधर आ जाइए अपने हिंदुस्तान में भी, जिन हिस्सों में बलात्कार, रेप, औरतों को छेड़ने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वो संस्कृतियाँ, वो कल्चर ऐसे ज़्यादा हैं जहाँ औरतों पर और यंग लोगों पर रोक टोक ज़्यादा है, जैसे हरियाणा, जैसे गुड़गांव, जैसे मेरठ। जितना ज़्यादा आप साउथ की तरफ जाएंगे जहाँ ज़्यादा ओपननेस है, वहाँ पे अपने आप आपको ये क्राइम और सब चीज़ें, आप कोई चीज़ों जितना दबाएंगे वो उतनी ज़्यादा क्राइम की तरह से बाहर आएगी। और हमारी सोसाइटी भी काफ़ी हिपोक्रेटिक, आपने कहा कि आबादी को लेकर इंडिया सेकंड पॉपुलर कंट्री है वर्ल्ड में,
क्या कहना चाहेंगे कि इतना हिपोक्रेटिक सोसाइटी है? आई आई थिंक हिपोक्रेटिक होने का बहुत बड़ा वजह यह है कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। लोग बहुत चीज़ों को बताया जैसे ना मैंने कि बहुत मिला के देखते हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा हमें बहुत मॉरली राइट भी रहना है और हमें एक तरफ ऐसा भी है कि अरे यार हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं। तो वो मतलब वो एक तरह का कन्फ्यूजन है अपने आप में कि आप मैकडोनल्ड का खाना खाना चाहते हैं, आप यूएस के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप एमटीवी देखेंगे, क्लब्स जाएंगे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये सब तो हम उनका ले लें पर जो उनकी एक क्या कहते हैं जो उनके राइट टू एक्सप्रेशन और ओपननेस है वो आप नहीं लेना चाहते। तो और वो होगा नहीं, वो होगा तो अभी आज मैंने पढ़ा कितनी कितनी मतलब मेरा खून खोल गया, इतनी गंदी घटना है कल परसों हुई है शायद गुड़गांव में, वो 3 साल की लड़की का रेप किया और उसके सब सरिया और क्या क्या सब 3 साल की लड़की का बलात्कार। तो ये कौन सा कल्चर? ये तो नहीं है हिंदुस्तान का कल्चर। हमारे यहाँ तो जब तक अंग्रेज़ नहीं आया था तो कभी कहीं कुछ ये सब होता भी नहीं था। ये सब शुरू ही वहीं से हुआ जहाँ से आपकी सती प्रथा आई, जहाँ से आपने औरतों को दबाना शुरू किया। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है जो फिल्म में भी हमारे डायलॉग है, ये द्रौपदी का देश है, ये वो देश है जहाँ पे औरतों ने इतिहास में ये डिसाइड किया है कि इतिहास का मोड़ क्या होगा, कि अगर राजा मर गए हैं तो रानियों ने ही राज किया है। मतलब एक नहीं, आपको 1000 हिंदू राजाओं की कहानियाँ मिलेगी जहाँ पे रानियाँ ही राज करती थी। अभी अगर आज के ज़माने में आप किसी को बोलोगे तो बोलेंगे नहीं नहीं यार ये तो कैसे पॉसिबल है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। तो मतलब आई थिंक दिस इज मतलब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी भी है और ये बहुत सीरियस और दुख का विषय है कि जो औरतों पर इस देश में अत्याचार हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये मॉरल पुलिसिंग है। क्योंकि आप जो मॉरल पुलिसिंग करते हो सबसे पहले आप औरतों पर उंगली उठाते हो, स्कर्ट मत पहनो, ऐसा मत करो, रात में शराब मत पियो, घूमने मत जाओ। पर अगर आप उल्टा देखोगे ना कि जिन हिस्सों में देश के चाहे आज बॉम्बे हो और इतनी जगह हो आप जाओगे जहाँ पे औरतें खुलेआम शाम को घूमती हैं, अपना खाती हैं पीती हैं, चाहे वो अपनी सहेलियों के साथ जाएं, चाहे अपने मेल फ्रेंड के साथ जाएं, वहाँ पे आपको ये क्राइम कम मिलेंगे। ये उल्टा है। आप हरियाणा जाओगे जहाँ औरतें इतने लंबे घूंघट में रहती हैं वहाँ 3 साल की लड़की का रेप हो रहा है। सॉरी पहली बात तो मेरी बरसों से प्रॉब्लम रही है सेंसर के साथ कि सेंसर में वो लोग पिक्चर देखने आते हैं जिनको फिल्म का नॉलेज नहीं होता। अच्छा, जिन्होंने कभी फिल्म बनाई है तो उनको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक द मूवी, वो उनको पता ही नहीं है। अच्छा, आधे लोग ऐसे जो एक्सपीरियंस लेस है और उन्हीं लोगों को आप वहाँ पे पिक्चर देखने बिठाते हो फिर बोल देंगे यहाँ पे कट मारो, यहाँ पे कट मारो, ये आपको यूए चाहिए तो इतने कट मारो, नहीं तो हाँ हाँ। तो हम जैसे हमारी फिल्म में, अच्छा हमारी फिल्म में एक भी गंदा सीन नहीं है, जो भी है ओरली है, स्पीच में बोला गया है, जो काफ़ी पिक्चर में आया है जिसमें यूए मिला है बराबर। तो आप उनके लिए बोलोगे ये काटो वो काटो तो पिक्चर को तो हम ख़राब नहीं करते थे। ये डायरेक्टर विशाल मिश्रा उधर गए थे जिस दिन सेंसर था, तो इसने मुझे फ़ोन किया, मैं नहीं गया था, मुझे बताया कि भाई इतना कट मांग रहे तो पिक्चर ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप ये ले लो, हम बाद में यूए करवा लेंगे सेटेलाइट के लिए। हाँ अच्छा, सबसे ख़राब चीज़ के वही सेंसर बोर्ड जो हमारा ट्रेलर पास हुआ था जिसमें योगी जी की स्पीच थी वो पास की, उसमें योगी जी जो यूपी में एंटी रोमियो स्कोर के बारे में बोल रहे हैं और अच्छा एक दो लाइन बोल रहे हैं तो उसी के लिए स्पीच थी, तो वो आपने अप्रूव कर दी और यूए के साथ वो ट्रेलर सेंसर किया और टीवी पे भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा है। अभी उसी को कट दिया आपने पिक्चर में, पूरी पिक्चर में उस एक ही कट मिला योगी जी का काट, तो ट्रेलर में क्यों पास किया? तो आप समझो कि सेंसर या तो आपको कोई कुछ प्रेशर है या तो आप डबल माइंड हो, आपको पता नहीं कि पहले वाली कमेटी देख गई ट्रेलर तो उसने आपको कोऑर्डिनेट नहीं किया कि इसको हमने यूए दिया था और उसके बाद आप इसको ये दे रहे हो तो क्या बात है। तो मतलब एक सेंसर बोर्ड ने ना खेल बना दिया है, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को खेल बना दिया, जिनको जो चाहे इसको यूए दे दो, इसको ये दे दो। अरे क्या बात हुई, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे मैं गुजराती का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, मैंने 15 पिक्चर ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की है और 35 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की है। लास्ट सलमान खान की रजिस्ट्री भी मैंने की थी 80 फिल्म में। तो मेरा कहने का मतलब कि मैंने रीजनल पिक्चर काफ़ी सेंसर करवाई ना, तो रीजनल में छोटे से छोटी चीज़ में बोलते हैं
इसको काटो, मतलब लड़का ये नहीं कर सकता, छोटा लड़का मतलब ऑडियंस पे एक मैसेज गलत जाएगा कि छोटा बच्चा वायलेंस कर रहा है ऐसा। आपने बागी पिक्चर में क्या किया जो टाइगर श्रॉफ की अभी आई थी, जहाँ पे उसकी फियांसी गाड़ी में बाहर निकलती है और चार बुकानी घारी आते हैं, गंदी तरह से उसको मारते, यहाँ से खून निकल जाता है, मतलब थप्पड़ पे थप्पड़ बराबर, और उसकी छोटी बच्ची पीछे की सीट में ऐसे कांप रही है, वो कौन सा मैसेज अच्छा दिया आपने, तो उसमें उसमें क्यों यूए दिया। दूसरी बात बाहुबली, आपने बाहुबली में सर कटता है, हाथ कटते हैं, पैर कटते हैं, उसको यूए दिया कि नहीं, बराबर। तो रीजनल में तो आप ये भेदभाव क्यों रखते हैं, जैसे गोरे काले का था ना बरसों पहले, साउथ अफ्रीका की टीम जब क्रिकेट नहीं खेल रही थी काफी साल तक, आपको मालूम होगा कि काफी साल तक साउथ अफ्रीका की टीम क्रिकेट नहीं खेल रही थी कि उसको बॉयकॉट किया था एक गोरे काले का पे। तो ये सेंसर में भी सेम हो गया है, मैं खुद इम्पा से हूँ, तो अभी ये सेंसर बोर्ड के साथ मैं खुद हम लोग पूरी कमेटी बैठेंगे या भाई आप इसका, क्योंकि हर प्रोड्यूसर एक पिक्चर बनाते हैं 35 दिन शूट करे 40 दिन शूट करे तो दिल से अपनी मेहनत करता है, और उस मेहनत के बाद आप एक सेकंड में बोलोगे ये काटो वो काटो, बराबर है, आपको तो बोलना है, आप कभी खुद तो पिक्चर बनाइए एज ए प्रोड्यूसर, आपको पता चले कि कितनी दिक्कत होती है फिल्म बनाने में, और काटने का बोलो तो वही काटने का बोलो जो जेन्यून हो, जो जेन्यून नहीं हो आप हजारों पिक्चर में पास कर चुके हो तो वो क्यों काटते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक मेरी पिक्चर थी पाठन से पाकिस्तान जो गोल्डन जुबली थी गुजराती में रीजनल में, मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, तो उसमें काफ़ी जगह पे काफिर वर्ड था, बराबर है, तो उन्होंने बोला काफिर वर्ड काटना पड़ेगा, मतलब काफिर कोई गाली थोड़ी है, काफिर वर्ड कोई गाली थोड़ी है, मतलब ये जेन्यून जो बरसों से आता है तो वही है, तो मैंने वो पास करवाया था उस टाइम। उसके बाद मैंने 2016 में मेरे पापा की एक पिक्चर बनाई, उसमें सेम ये चीज़ काफिर, तो बोला काफिर वर्ड को म्यूट करो, मैंने बोला कि 2015 में मेरी खुद की पिक्चर थी जो मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए उसके बाद उसकी आधी पिक्चर मैंने पूरी की, तो उसमें वो काफिर वर्ड को म्यूट करवाया। तो आप दो मुंह वाली बात क्यों करते हो, सेंसर बोर्ड का एक जीआर तो होगा, जैसे रेलवे का जीआर होता है, इनकम टैक्स का जीआर होता है, तो आपका एक जीआर तो होना चाहिए, यहाँ तो कोई मतलब है ही नहीं, आपको जो मन चाहे करो, क्यों, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। तो मतलब मेरा मैसेज एक ही है कि जेन्यूनली मैं सेंसर बोर्ड की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर आप वो काम करो जो काटने लायक हो, जो ना काटने लायक हो उसको मत काटो। बड़ी पिक्चरों में बड़े प्रोड्यूसर को आप ऐसे ही फैसिलिटी दे देते हो, और छोटी पिक्चर में आप बोलते हो यहाँ पे ये काटो। अच्छा एक ही बार रिवीजन में डलवाते हो पिक्चर, रिवीजन में डालो वापस 33,000 फीस भरो और दिन वेस्ट होते हैं, और आपका रिलीजिंग का टाइम चला जाता है जो आपका एकदम अप्रोप्रिएट टाइम होता है। जैसे किसी प्रोड्यूसर ने बेचारे ने सोचा कि भाई मेरे को दिवाली पे पिक्चर रिलीज करनी है, यहाँ करनी है, और आपने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो ये सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। हाँ तो ऐसे कई काफ़ी पिक्चर है जो सेंसर के कारण काफ़ी प्रोड्यूसर ऐसे मरते भी है। तो मैं सेंसर बोर्ड की जो कमेटी वाले हैं ना उनको वही मैसेज एक देना चाहता हूँ कि खुद कभी प्रोड्यूसर बन जाए, या तो वो प्रोड्यूसर का सिनारिया देख ले कि उस बंदे ने वो प्रोडक्शन कैसे लास्ट में किया पैसे की दिक्कत में, और आप वहाँ पे तीन तीन बार रिजेक्ट करके तीन बार फीस भरवाते हो, बहुत ही गलत। सर ये भी अंदर सेंसर बोर्ड करने मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंटरप्ट करते हैं इन तमाम, तो कितना क्रिएटिव फ्रीडम को ये हर्ट करता है, क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम नहीं रहेगा तो फिल्म बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं, चीज़ ऐसी है कि सिनेमा जो होता है वो उस वक्त जो हो रहा होता है या जो सिनेमा के साथ भी हो रहा होता है वो उस वक्त की जो सोसाइटी होती है या जो उस वक्त की एक मानसिकता होती है समाज की, उसका एक वो रिफ्लेक्शन ही होता है। जैसे कि एक बड़ा अच्छी चीज़ मुझे लगी मेरे फेवरेट जावेद साहब ने कहा, जावेद अख्तर साहब ने, कि शोले में एक शॉट है कि वो हेमा मालिनी आती हैं भगवान से, भगवान शंकर से कहने की कहाँ है वो लड़का, और वो धर्मेंद्र पीछे उनकी आवाज़ में बोल रहे हैं और उनमें कॉन्वर्जेशन होती है, शंकर जी बन के धर्मेंद्र बोल रहे हैं कि उसके पास जाओ और उससे शादी करो। और ये जावेद साहब ने वही कहा कि क्या आपको लगता है कि शॉर्ट आज के ज़माने में पास हो सकता है, आज तो उसमें मतलब पूरा शंकर जी के ऊपर बवाल हो जाएगा। अभी वो केदारनाथ का ट्रेलर आया उस पर फॉर नो रीज़न लोग बवाल काट रहे हैं कि वो मुसलमान क्यों जा रहा है उसमें, मतलब ये चीज़ें ऐसी है। गर्म हवा कुंती बलराज सहनी की, वो आप देखिए पार्टीशन पे, मगर पूरी फिल्म ही आज की तारीख में पास ही नहीं होती, तो कुछ भी नहीं पास होता पिक्चर।
तो आई थिंक ये उस जो मैं आपको इसके पहले कह रहा था कि उस वक्त का जो समाज होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है कि हम कितने टॉलरेंट थे या कितने इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं और कितने ज़्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। बट कि उस ज़माने में फिल्म को हम फिल्म की तरह देखते थे, कोई बेचारा अगर फिल्म बना रहा है चाहे वो गर्म हवा हो चाहे शोले हो चाहे केदारनाथ हो या मेरी फिल्म हो या मोहल्ला 80 हो, इतनी फिल्म हो, तो उसका कोई ऐसा एजेंडा लेके नहीं बैठा है कि मेरी फिल्म आ जाएगी तो सब कोई मतलब योगी जी के पीछे पड़ जाएंगे या मोहल्ला 80 आ जाएगी तो बनारस में दंगे हो जाएंगे। किसी का कोई पर्पज़ नहीं होता, एक फिल्म बनाई या फिल्म रिलीज होने दीजिए। आपने इतना बवाल किया बंदा मत पे, ना किसी के नाक कटे, ना किसी की जान ले पाया, 350 करोड़ फिल्म में बिजनेस किया, आपका भी इज्जत खराब हुई और आपने सिर्फ हल्ला किया और फिल्म को सपोर्ट भी किया एक तरीके से। तो मेरे को लगता है कि आप एक उसको बहुत मतलब अनडिजर्विंग एक तो आप शोर मचाते हैं। आई थिंक बहुत बेरोजगारी है इस देश में, तो एम्प्लॉयमेंट दर बहुत ख़राब है, तो लोगों को जो भी मिलता है लोग उसमें बेचारे लग जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है समझने का, वो एक अलग ही टॉपिक है। बट आई थिंक जो मॉरल पुलिसिंग है और ये टॉप से आती है, अगर आपकी गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो ऐसा नहीं हो। 95 में आई थिंक बॉम्बे दंगे के बाद बॉम्बे करके फिल्म रिलीज़ हुई थी अरविंद स्वामी की, जिसको बहुत बवाल हुआ था, पर मुझे आज भी याद है कि हर थिएटर में सिक्योरिटी दी गई थी और पिक्चर में कुछ भी नहीं था। लोगों को लग रहा था कि बॉम्बे रिलीज होगी तो मतलब दंगे हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज ऑल क्वाइट यू नो, हर एक पॉलिटिक्स भी इसमें मिली हुई है, सोसाइटी भी मिली हुई है, बहुत पढ़े लिखे लोग जो भटक रहे हैं आजकल पूरी माहौल को देख के, तो सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है। तो एट लास्ट इसमें जो होगी टारगेट ऑडियंस कौन से होंगे आपके, और जो टारगेट ऑडियंस होंगे उनको क्या एक सब्जेक्ट मतलब लेसन मिलेगा, एक केयरलेसनेस आएगा उनमें कि मतलब जो भी चीज़ है वो विद इन लॉ। हाँ देखिए चीज़ ये है कि तो नंबर वन ये फिल्म एकदम कम्प्लीटली ओरिजिनल है। वर्ल्ड में कभी भी एक मॉरल पुलिसिंग पे एक लड़का लड़की पार्क में बैठते हैं या होटल में जाते हैं और उस पर रोक क्यों लगाई जाए दो एडल्ट के ऊपर, इसकी बात करती है, कभी कोई फिल्म नहीं बनी है इसको किसी भी भाषा में। नंबर दो इसका कोई एक सेट जॉनर नहीं है फिल्म का, फिल्म एकदम जैसे आप एक किताब पढ़ते हैं चैप्टर की तरह है, मतलब पहले 20 मिनट रोमांस है, फिर 20 मिनट होटल खुलता है उसकी कहानी है, फिर कोर्ट रूम ड्रामा है जो बहुत सीरियस है सेकेंड हाफ में, तो जो कि जहाँ पूरी एक गवर्नमेंट और एक आम आदमी की लड़ाई है कि क्यों ऐसा किया जाता है हमारे साथ, तो बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट फिल्म है इन द टर्म्स ऑफ समझाना लोगों को जब तक फिल्म देखें ना। बट हाँ यूथ को बहुत पसंद आएगी क्योंकि मुझे लगता है इस देश का यूथ बहुत फियरलेस है और बहुत ही नॉलेजेबल हो गया वर्ल्ड सिनेमा देख देख के, तो यूथ को बहुत ही पसंद आएगी। और ऑब्वियसली बस जो फिल्में है कि आपको फिल्म का पोस्टर देख के या फिल्म की थोड़ा स्टोरी सुन के आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सीजीनेस है, सीजीनेस पिक्चर में मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 1 रुपए की भी नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा फिल्म में कि आपको लगेगा कि जो अननेसेसरी है। और या मतलब आई थिंक फेयरलेसनेस तो नहीं आएगी, एटलीस्ट लोग सोचेंगे ज़रूर कि जब मैंने कॉफी बीटी भी बनाई थी तो एक ऐसा आदमी के बारे में थी जिस डॉन को हिंदुस्तान में बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, तो उसकी बेइज्जती की थी जिसका बाद में बहुत प्रॉब्लम भी हुई, फ़ोन आया सब छोटा छोटी वगैरह के। ये फिल्म भी वैसे उसके बारे में है कि एक आदमी और एक विचारधारा जिसकी इस वजह देश में लहर आई हुई है, इस देश में लोगों को लगता है कि वो सब सही है, खजुराहो मंदिर कारपेट के नीचे चला जाता है और बाकी सब बाहर आ जाता है, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल करने की कोशिश है ताकि आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करें जो आर्ट का बेसिक मकसद होता है, और देखें और गाली दें अच्छी नहीं लगी बहुत ख़राब बात दिखाई तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये पिक्चर याद रहेगी, क्योंकि 10 साल बाद सरकारें बदल जाएंगी, 20 साल बाद सरकारें बदल जाएंगी, फिल्म फिर भी रहेगी, लोग देखेंगे।